सुप्रीम कोर्ट के हवाले से दिए गए चौकीदार चोर वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खेद जताया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में आज जवाब दाखिल किया। हलफनामे में राहुल ने कहा कि चुनाव प्रचार की गहमा गहमी में ऐसा बयान दिया गया था, बयान देने से पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं पड़ा था। राहुल ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कभी उनका मकसद नहीं था। चौकीदार चोर है का नारा चुनावी अभियान का हिस्सा है। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने राहुल के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी। लेखी ने राहुल के उस बयान की शिकायत की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार ने चोरी की है। वो अलफनामा में तो रिग्रेट खेद व्यक्त कर दिया, मगर उसके बाद भी अगर वो रिपीट करेंगे तो मैंने मेरे पक्ष की बात रखना चाहती हूँ, मगर लग रहा है कि वो रिपीट करना शुरू भी कर चुके हैं। अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल ने पीएम और कोर्ट दोनों का अपमान किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुबह सुबह दे देते हैं दस्तावेज लिखित में कि भाई हमने जो सुप्रीम कोर्ट का अवमानना की, हमने जो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया और चौकीदार पे जो अपमानित और लांछित करने वाले शब्दों का प्रयोग किया, तैश में आकर क्या हम झूठ बोल रहे थे। तो राहुल गांधी खुद को झूठा साबित कर चुके हैं लिखित रूप में, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। चौकीदार चोर है वाले बयान पर राहुल गांधी के खेद जताने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान सामने आया है। जेटली ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष की विश्वसनीयता कम हुई है। अपने सार्वजनिक वक्तव्यों के लिए जब राजनीतिक नेता को क्षमा याचना करनी पड़ती है तो विश्वसनीयता का एक बहुत बड़ा विषय सामने आता है। राहुल जी की विश्वसनीयता अपने बयानों के बारे में बहुत कम थी, आज लगभग वो समाप्त हो गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को झूठे केस में फंसाया गया है। कोलकाता में अमित शाह ने कहा कि हिंदू आतंक के नाम से पूरी तरह फर्जी केस बनाया गया था। अमित शाह ने सवाल उठाया कि स्वामी असीमानंद और बाकी लोगों को आरोपी बनाकर फर्जी केस बनाया गया तो समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट वाले लोग कहां हैं? जो लोग पहले पकड़े गए थे उन्हें तब की सरकार ने क्यों छोड़ा? जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, एक फर्जी केस बनाया गया था हिंदू टेरर के नाम से, भगवा टेरर के नाम से, दुनिया भर में भारत की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया। देश की जनता जानना चाहती है कि समझौता ब्लास्ट जिसने किया था वो लोग कहां गए। अमित शाह ने कहा कि हिंदू टेरर के नाम पर दुनिया में देश की संस्कृति को बदनाम किया गया। कोलकाता में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर वोटरों को डराने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले दो चरण के चुनावों में ही ममता बनर्जी बंगाल में अपनी हार देखने लगी हैं और इसी वजह से उनकी बौखलाहट बढ़ गई है। बंगाल के दो चरण के चुनाव में ममता बनर्जी ने अब उनकी बौखलाहट स्पष्ट रूप से नजर आती। दो चरण के चुनाव में ममता दीदी को अपनी हार स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मंगलवार को नामांकन करना था लेकिन शुभ मुहूर्त की वजह से उन्होंने आज ही नामांकन दाखिल किया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर 11 पंडितों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर पहुंची और मंत्रोच्चारण के साथ नामांकन के दो सेट दाखिल किए। कल वो नामांकन के दो और सेट दाखिल करेंगी। नामांकन के वक्त साध्वी प्रज्ञा के साथ भोपाल के सांसद आलोक संजर और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता भी मौजूद थे। मंगलवार को साध्वी नामांकन से पहले पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ रोड शो करेंगी। रोड शो में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा पार्टी के कई बड़े नेताओं के भी शामिल होने की उम्मीद है। साध्वी प्रज्ञा के राम मंदिर पर विवादित बयान के खिलाफ चुनाव आयोग ने FIR दर्ज की है। आयोग साध्वी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और बयान को आचार संहिता का उल्लंघन माना।